राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होना है, ऐसे में सभी पार्टियां पूरे जोर शोर के साथ चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। वहीं बीजेपी की बात करें तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर चुनाव प्रचार की कमान संभाली हुई है और इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के थमने से पहले ही दिन एक एक दिन में दो दो जगहों पर रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। वहीं इन दो बार के चुनाव के बाद शायद पहली बार ही होगा जब बीजेपी बिना सीएम फेस के चुनाव में उतरी है। वहीं बात की जाए वसुंधरा राजे की, तो एक तरफ राजस्थान की पूर्व सीएम रही वसुंधरा राजे को अब तक बीजेपी ने साइड करके रखा था, लेकिन शायद अब बीजेपी को इस बात का अंदाजा लग गया है कि वसुंधरा उन्हें राजस्थान में सबसे ज्यादा जरूरत हो सकती है। कहा जा रहा था कि वसुंधरा राजे खुद भी बीजेपी से नाराज चल रही थी क्योंकि बीजेपी ने इस बार सीएम फेस को लेकर कुछ क्लियर नहीं किया था और जो हालात दिख रहे थे उससे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वसुंधरा को बीजेपी धीरे धीरे साइडलाइन कर रही थी। लेकिन अब जो नजारा राजस्थान में देखने को मिल रहा है उससे तो ऐसा लगता है जैसे राजस्थान में बीजेपी ने माहौल बदल दिया है। दरअसल राजस्थान के बर्रा जिले के आंता में आयोजित रैली में पीएम मोदी और वसुंधरा राजे एक साथ दिखाई दिए। यही नहीं, यहाँ पीएम मोदी और वसुंधरा राजे के बीच काफी केमिस्ट्री देखने को मिली। वसुंधरा राजे ने मन से पीएम की तारीफ भी की। आपको बता दें कि चुनाव की घोषणा के बाद ये पहला मौका था जब पीएम मोदी और वसुंधरा राजे एक साथ एक मंच पर दिखाई दिए हों। वहीं इस मौके पर वसुंधरा के बेटे दुष्यंत चौटाला भी मंच पर मौजूद नजर आए। दुष्यंत ने पीएम मोदी को पगड़ी पहनाकर उनका अभिवादन किया और सम्मानित किया। वहीं पीएम मोदी और वसुंधरा राजे के एक मंच पर साथ दिखने के बाद अब चर्चा का विषय ये बन गया है कि क्या बीजेपी में अब सब ठीक हो गया है, क्योंकि जो वसुंधरा सरकार की उपलब्धियों को गिनवाने से भी कतरा रही थी वही वसुंधरा मन से पीएम की तारीफ कर रही है। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीतेगी या हारेगी और अगर जीतती है तो किसे सीएम पद के लिए चुना जाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस बात को भी झुठलाया नहीं जा सकता कि वसुंधरा राजे अपने आप में ही बड़ा नाम है। वसुंधरा की पैठ ना सिर्फ राजपूतों में बल्कि जाट गुर्जर में भी है। राजस्थान में कुल 200 सीटों में वसुंधरा राजे के 60 सीटों पर दबदबा है, यानी बहुमत के लिए 50% से भी ज्यादा की सीटों पर वसुंधरा का वर्चस्व है। ऐसे में शायद यही बात अब बीजेपी को समझ आ चुकी है। वहीं एक बात यह भी है कि राजस्थान में महिला वोटरों की संख्या काफी है और राजस्थान में हमेशा महिला अपराधों को लेकर आवाज उठती रही है। ऐसे में वसुंधरा को फॉर्म में लाना बीजेपी के लिए सही साबित हो सकता है।